दोस्तों, अगर आप भी बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेन स्टोक्स ने हारे हुए मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को जिता दिया और फिर कुछ ऐसा कहा भारतीय फैंस के लेके सुनकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। क्या बोले बेन स्टोक्स, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बेन स्टोक्स धोनी पांड्या में बेहतर कौन, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के बीच में दांतों तले उंगलियां चबा देने वाला फाइनल मुकाबला आखिरकार एमसीजी के मैदान में खेला गया। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत हुई जॉस बटलर के टॉस जीतने के साथ। इस मैदान में ही दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ हार देखी थी और आज भी इंग्लैंड की टीम ने ऐसी ही कुछ शुरुआत करी। आपको बता दें, जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही पाकिस्तान की टीम की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। बाबर आजम और रिजवान दोस्तों एक सटीक शुरुआत टीम को दिलाते हैं दो ओवर डिफेंस करके, लेकिन उसके बाद तीसरे ही ओवर में पाकिस्तान की टीम का बंटाधार हो जाता है जब रिजवान चौके और छक्के लगाने वाले रिजवान अपना विकेट फेंकते नजर आते हैं। दोस्तों, रिजवान क्रिस वोक्स की गेंद पर छक्का तो जड़ देते हैं, लेकिन सैम करन की स्विंग गेंद को खेलने में वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए सैम करन गेंद डालकर रिजवान को दोस्तों क्लीन बोल्ड करते हैं और इसी तरीके से बोल्ड होती है पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी। इस बीच बाबर आजम ने अपने पैर दोस्तों मैदान में जमा लिए थे और हैरिस ने भी आते ही दो बैक टू बैक चौके लगाए, लेकिन आदिल रशीद ने अपनी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर उन्हें भी 8 रन पर बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद तो दोस्तों मानो इंग्लैंड की टीम ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और पाकिस्तान की टीम की ऐसी हजामत करी जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों, बाबर आजम मैदान पर पूरी तरीके से सेट होने का प्रयास कर ही रहे थे कि वो भी पारी के 12वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर कॉटन बोर्ड हो गए। इसके बाद शान मसूद ने भी लगभग 30 से 35 रन बनाए, लेकिन जैसे ही वो आउट होते हैं पाकिस्तान की टीम का होलिया ही बिगड़ जाता है। इस बीच इफ्तिकार अहमद शून्य, मसूद 238 रन तो वही शादाब अहमद 20 रन पर अपना विकेट गंवा देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों फिर बाबर आजम के 32 और मसूद के 38 रन के चलते पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड की टीम को 138 का ही लक्ष्य दे पाती है। अब दोस्तों वैसे तो ये लक्ष्य इंग्लैंड के सामने कुछ नहीं था, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी में नहीं बल्कि उनकी गेंदबाजी में छुपी है और इसका एक छोटा सा नमूना हमने पारी के पहले ही ओवर में देखा जब शाहीन शाह अफरीदी के सामने एलेक्स हेल्स ने अपने हथियार डाल दिए। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर एलेक्स हेल्स शून्य पर ही क्लीन बोल्ड हो गए थे, लेकिन इसके बाद बटलर ने हार नहीं मानी, एक छोर से अपनी टीम की बल्लेबाजी को संभाला और टीम को हिम्मत देते हुए आगे ले चले। बटलर को दोस्तों थोड़ा साथ मिला ही था फिलिप सॉल्ट का कि वो भी 10 रन पर उनका साथ छोड़कर आउट हो गए। और दोस्तों पारी के चौथे ओवर में अभी 32 पर पहुंची इंग्लैंड की टीम का दूसरा विकेट गिरा ही था कि दोस्तों अगले ही ओवर में बटलर भी अपना विकेट दे बैठे। 26 रन पर खेल रहे बटलर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हैरिस रॉफ की गेंद पर वो भी बड़े आसानी से रिजवान को गैस समा बैठे, जिसके चलते अब इंग्लैंड की टीम के 50 रन के दायरे के अंदर 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। हालांकि इसके बाद दोस्तों बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक्स ने टीम की बल्लेबाजी को बड़े अच्छे से संभाला। बेन स्टोक्स ने विकेट नहीं गिरने दिए, लेकिन हैरी ब्रुक्स 20 रन पर अपना विकेट देकर चल गए। पारी के 13वें ओवर में दोस्तों शाहीन अफरीदी की ही गेंद पर वो कैच आउट हुए थे। अब दोस्तों मुकाबला हद से ज्यादा रोमांचक हो चुका था। 30 गेंदों में जीतने के लिए 41 रन चाहिए थे, विकेट 6 थे, लेकिन पाकिस्तान भी कमजोर सिचुएशन में नहीं था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, बेन स्टोक्स और मोइन अली के सामने कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, वो उसे चुटकियों में चेस करने का दम रखते हैं। और वाकई में जब मुकाबला फंस गया था तो इंग्लैंड की टीम के संकट मोचक बनकर इन दोनों खिलाड़ियों ने इस तरीके से पाकिस्तान को आज रौंदा है कि किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा ये दिन एमसीजी के मैदान में पाकिस्तानियों के लिए। 230 गेंदों में जब 41 रन चाहिए थे, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन तभी इफ्तिकार अहमद को एक गेंद पर चौका और फिर एक शानदार छक्का जड़ गए। बेन स्टोक्स साहब ने दो गेंद में 10 रन जुटाए और पूरे प्रेशर को खत्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों मोइन अली ने भी मोहम्मद वसीम को तो बैक टू बैक चौके लगाए और यहां से तो और ज्यादा प्रेशर खत्म हुआ और प्रेशर उल्टा चढ़ गया पाकिस्तानियों पर और कुछ ऐसा चढ़ा कि उनके सर चढ़कर बोला। अब दोस्तों जीतने के लिए 19 गेंद में 16 रन चाहिए थे, जिसके बाद बेन स्टोक्स और मोइन अली ने मिलकर बड़ी आसानी से अपने देश को जिताया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अपने घर ले गए। लेकिन दोस्तों इस जीत का असली हीरो केवल एक खिलाड़ी है और वो है बेन स्टोक्स, जो कि 50 जड़कर अकेले अपने दम पर टीम को जिताकर इंग्लैंड ये ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच बने बेन स्टोक्स ने। ये मैच जिताने के बाद भारतवासियों के लिए कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को जिताने के बाद भारत के लिए कहा
ये 48 गेंदों में 51 रन की पारी केवल अगर आई है तो इंग्लैंड और भारतवासियों के प्यार के चलते। आज इस फाइनल में ऐसी बैटिंग करना मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम अपनी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप को भी जीत चुके हैं। 2019 के बाद हमने केवल इस जीत का सपना देखा था, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने आयरलैंड से हारने के बाद कमबैक किया इस वर्ल्ड कप में, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। ये जीत हमारे देश के नाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं इस जीत को बांटना चाहूंगा 100 करोड़ भारतवासियों के लिए भी, क्योंकि आज हमें समर्थन करने के लिए यहाँ पर इंग्लैंड से ज्यादा भारत के समर्थक आए हैं, और यही ताकत आज इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जीत पाई है। मैं दिल से जानता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ इंग्लैंड को ही सब जीतता हुआ देखना चाहते थे, और मैं बेहद खुश हूँ कि भारतीय फैंस की इस दिलत तमन्ना को मैं अपनी बल्लेबाजी से पूरी कर पाया। ये जीत सभी भारतीय सभी इंग्लैंड वासियों के नाम है। दोस्तों, वाकई में बेन स्टोक्स ने अपनी बल्लेबाजी से वर्ल्ड कप तो जिताया ही, सबका दिल भी जीता, लेकिन खास तौर पर भारतीय फैंस के लिए जो कुछ कहा है उससे तो दोस्तों हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। वाकई में ये खिलाड़ी एक हीरो है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो ज्यादा मायने रखता है। परंतु दोस्तों, आप सभी आज बेन स्टोक्स की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।